जीवन मंत्र योग अध्यात्म और आयुर्वेद की वो त्रिवेणी है जिससे आपका जीवन बनेगा स्वस्थ और निरोग। दोस्तों 18 मार्च को गुड़ी पड़वा से चैत्र मास के नवरात्र और हिंदी नववर्ष की शुरुआत हो रही है। नवरात्र की शुरुआत में सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है, साथ ही इस रविवार से नवरात्र शुरू होने से ये शुभ योग बन रहा है। रविवार के कारक सूर्य देव हैं। इस योग में शुरू किए गए काम जल्दी सिद्ध होते हैं और काम में बाधाएं आने की संभावनाएं काफी कम हो जाती हैं। नवरात्र के दौरान जब दो तिथियां एक ही दिन आती हैं तो एक दिन कम हो जाता है। इस बार 25 मार्च को अष्टमी और नवमी तिथि एक साथ हैं। इस वजह से 8 दिन के नवरात्र रहेंगे। हम आपको जीवन मंत्रा में आज बता रहे हैं आपकी किस्मत से जुड़ी परेशानियों को दूर करने के इस नवरात्र में क्या उपाय हो सकते हैं। नवरात्र में आप दान करें देवी माँ की कृपा पाने के लिए। सबसे अच्छा उपाय है कि जरूरतमंद और गरीब लोगों को भोजन और धन का दान किया जाए। दान करने से पुराने सभी पापों का बुरा असर कम हो जाता है और पुण्य में बढ़ोतरी होती है। नवरात्र में व्रत करने वाले लोगों को फल जैसे केले, आम, पपीता आदि का दान करना चाहिए। नवरात्रा में आपको इनका पाठ करना है, जरा देख लीजिए। नवरात्रा में विशेष रूप से देवी माँ के मंत्रों का जाप करना चाहिए। यदि आप चाहें तो दुर्गा सप्तशती का पाठ भी कर सकते हैं। देवी माँ के पूजन में साफ सफाई और पवित्रता का बहुत ध्यान रखना चाहिए। साथ ही मंत्र जाप में उच्चारण भी एकदम सही होना चाहिए। यदि आप मंत्रों का उच्चारण ठीक से नहीं कर पा रहे हैं तो किसी ब्राह्मण से भी आप मंत्र का जाप करवा सकते हैं। देवी का मंत्र देख लीजिए। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप अगर इतना करते हैं तो आप देखिए आपके जीवन में कैसे बरकत होती है, देवी माँ की आप पर कितनी कृपा बरसती है और आप इन नवरात्राओं में अपनी किस्मत को संवार सकते हैं। जीवन मंत्रा में आज इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।